8 ग्रुपों में बांटे गए पीएम नरेंद्र मोदी के 77 मंत्री। केंद्र सरकार के कामकाज में सुधार के लिए नया कदम। भारत में पिछले 24 घंटे में 10,229 नए कोविड केस आए सामने। कल से 9.2% केसों में कमी। प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली में लग सकता है लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट को आज प्लान सौंपेगी केजरीवाल सरकार। बाबरी विध्वंस के बाद बोले थे पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, सहानुभूति नहीं चाहिए। आर्यन खान केस में सैम डिसूजा आए सामने। क्रूज ड्रग्स मामले में डील का ठीकरा गोसावी, भानुशाली पाटिल पर फोड़ा। पुलिस ने 2 महिला पत्रकारों को लिया हिरासत में। एडिटर्स गिल्ड ने की रिहाई की मांग। वृंदावन के निधिवन मंदिर का रात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला हुआ अरेस्ट। गुरुग्राम फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों के स्कूल 7 नवंबर तक रहेंगे बंद। वायु प्रदूषण से गंभीर है स्थितियां। अक्षय और कैटरीना की फिल्म ने बना दिया रिकॉर्ड, दूसरे हफ्ते में ही पहुंचेगी 200 करोड़। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मिचेल स्टार्क ने लुटाए 4 ओवर में 60 रन, बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड।